आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, लगभग हर प्रेमी एकादशी व्रत करते हैं बाबा के नाम। उस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो अनजाने में हम कर बैठते हैं। जैसे कि आजकल क्या सिचुएशन है कि एकादशी और द्वादशी तिथि लगभग एक ही मिलती है, तो कुछ प्रेमी उस दिन एकादशी करते हैं, कुछ उस दिन द्वादशी कर लेते हैं। ये गलत बात है। पहले तो अच्छी तरीके से पता करिए कि एकादशी कब है, द्वादशी कब है। उसी के अनुसार एकादशी के दिन आप गलती से भी भूल कर भी घर में चावल या खीर का भोजन न बनाएं, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। उसके साथ साथ जो प्रेमी एकादशी व्रत करते हैं, बाबा के नाम दिया जलाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपको उस दिन क्रोध ना आने पाए। अगर आप क्रोधित होते हो या आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी बात है उसे आगे पीछे निपटा लें, उस दिन कोई भी ऐसी गड़बड़ या गलती न करें। तीसरी गलती, इस दिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रेमी क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते ही भगवान शिव के मंदिर में हो, शिवलिंग हो पास में, या कोई भी और मंदिर हो, वहाँ जाते ही बेलपत्र तोड़ते हैं, तुलसी तोड़ते हैं, पीपल में जल डालते हैं, वहाँ कुछ पत्तियाँ तोड़ देते हैं। ये सबसे गलत बात होती है। अगर एकादशी के दिन आपकी वजह से अगर एक घास के तिनके को भी कोई नुकसान पहुँचता है तो भी आपका व्रत खंडित हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको किसी भी वृक्ष की किसी भी पत्ती को, टहनी को नहीं तोड़ना है। ये तीन चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आपका व्रत भगवान विष्णु सफल कर देंगे। जय श्री श्याम।